उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? यह कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह उनका अपराध है और इसके कारण आप उनको सजा देना चाहते हैं। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है, वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता, ये जेल का नियम है। कहीं भी, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता, यह कानूनी प्रावधान है। और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैंबर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकता कि भाई उनकी समस्याएं सुनो और समाधान करो? आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी, अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। मोदी जी याद रखिएगा, इन यातनाओं से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, लेकिन इसका एक एक जवाब दिल्ली की महान जनता आपसे लेगी, दिल्ली के 2 करोड़ लोग आपसे जवाब लेंगे इसका। हमने तो कहा है कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, इन यातनाओं का जवाब वोट से दीजिए, और पूरे देश की जनता ये जो आप कर रहे हैं इसका जवाब अपने वोट की ताकत से देगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज आप तिहाड़ जेल मिलने जाने वाले थे, क्या रहा, समय दिया गया गठबंधन हुआ है, क्या पूरा मामला? उसमें कोई नया समय दिया गया है, लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है। Zee News.